हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हुआ पहले की तरह अच्छे ही होंगे। गाइस मैं हूं सनी एंड स्वागत है आप सभी का डेमन किंग यूट्यूब चैनल की एक धमाकेदार वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में मैं लेके आ गया हूं ज़ोडोस एमुलेटर का एक ब्रांड न्यू अपडेट। जी हां गाइस, ज़ोडोस एमुलेटर एक बॉक्स विद्रा के ऊपर आधारित एक एमुलेटर है गाइस। बॉक्स विद्रा तो टर्मक्स में चलता है, लेकिन ये एक एपीके रहेगा जो कि 1.5 GB का एक एपीके रहेगा। और इस एमुलेटर को चलाने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है गाइस। रियली बहुत ही मुझे ये एमुलेटर पसंद है एंड रियल पीसी का एक्सपीरियंस ये एमुलेटर कराता है। आप इसमें GTA 5, GTA 4 जैसे गेम प्ले कर सकते हैं और पीसी सॉफ्टवेयर भी रन कर सकते हैं। तो चलिए इसको करते हैं सेटअप। पूरा वीडियो देखना, वीडियो को स्किप मत करना। और आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ गाइस, अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ गाइस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। और ये एमुलेटर आपको कहाँ पर मिलेगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक वीडियो मिलेगी, उस वीडियो की डिस्क्रिप्शन जाकर चेकआउट करना, आपको ये एमुलेटर मिल जाएगा। ओके, ये है वो APK एंड चलिए इसको करते हैं ओपन। एंड यहाँ पर ये ओपन हो गया है, यहाँ पर डोंट शो अगेंस्ट पर क्लिक कर देते हैं और प्रेफरेंसेस पर हम यहाँ पर क्लिक कर देंगे। जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पर कुछ सेटिंग आ जाएगी। तो आपको करना क्या है, यहाँ पर इंस्टॉल ज़ोडोस सिस्टम यहाँ पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। और यहाँ पर एक बार ओके पर क्लिक करना है, ठीक है। और यहाँ पर आपको थोड़ा सा वेट करना है गाइज। तो यहाँ पर वेट करने का यहाँ पर कुछ पॉपअप आएगा, तो आपको वेट पर क्लिक कर देना है। और एक बार आ सकता है, देखो यहाँ पर आया और यहाँ पर अलाउ कर देना है आपको। और यहाँ पर कुछ नोटिफिकेशन आएगी, तो यहाँ पर आपको वेट करना है, ठीक है। कुछ भी नहीं करना है, जब तक ये नोटिफिकेशन नीचे आ रही है तब तक आपको वेट करना है। और भी नोटिफिकेशन आएगी। ओके, इसके बाद एक आखिरी नोटिफिकेशन है, ठीक है, ये आ गई, ठीक है। और बस हो गया, ठीक है। तो आपको अब क्या करना है, अब आपको इसको बैकग्राउंड से हटा लेना है, ठीक है। फिर से आपको एक बार इसे कर लेना है ओपन। और फिर से यहाँ पर सेटिंग में हम जाएंगे और यहाँ पर जो टच सेंसिटिविटी है उसको थोड़ा सा बढ़ा देंगे, जो रेजोल्यूशन है उसको भी हम थोड़ा सा यहाँ पर बढ़ा देंगे, मतलब कि कम या ज़्यादा कर सकते हैं यहाँ पर, तो थोड़ा सा हम कम कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आएंगे और ये वाला जो ऑप्शन है इसे ऑन कर देंगे, ठीक है, ये वाला, ठीक है। ओके, अब आपको क्या करना है, XOD बैटरी जीपीयू पर रॉन्ग प्रेस करना है और नीचे आपको यहाँ पर ऐप वाली फाइल दिख रही है उसके ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। जैसे क्लिक करेगी आपके सामने कई सारे मोड आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो गेम मोड है वो ये वाला, ठीक है। गेम इसमें आप प्ले करना चाहो तो इसमें भी प्ले कर सकते हो, या फिर ऊपर नॉर्मल मोड है जो कि XODOS नॉर्मल, ठीक है, तो उसको ओपन कर सकते हैं। या फिर सेटिंग वगैरह करना चाहो तो सेटिंग को भी ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम नॉर्मल वाला मोड सिलेक्ट करते, फिर यह वाइट वाली फाइल दिख रही है उसके ऊपर क्लिक कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पर ओके, अब आपको करना है बैक बटन पर एक बार क्लिक करना है और यहाँ पर लेफ्ट राइट स्क्रॉल करना है, ठीक है। और यहाँ पर कमांड नहीं करनी है, XODOS नॉर्मल पर क्लिक करना है, ठीक है। जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर गाइस कुछ रिसोर्सेस यहाँ पर इंस्टॉल होगी, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा जब तक ये सारे रिसोर्सेस यहाँ पर इंस्टॉल नहीं हो जाते है, तब तक वेट करना है। फिर अपने आप ये एमुलेटर ओपन हो जाएगा, देखो अब ओपन होने वाला है और ये हो चुका है ओपन, ठीक है। तो यहाँ पर आप गाइस देख पा रहे होंगे काफ़ी चीज़ें यहाँ पर आपको शॉर्टकट देखने के लिए मिल जाएगी, YouTube, Facebook, Chrome ब्राउज़र और Firefox, और यहाँ पर Minecraft गेम भी आपको यहाँ पर शॉर्टकट देखने के लिए मिल जाएगा। आप Minecraft को भी यहाँ से प्ले कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर कई सारे वॉलपेपर भी देखने के लिए मिल जाएगी, तो सारे के सारे गेमिंग वॉलपेपर यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगी। तो बहुत ही अच्छे यहाँ पर वॉलपेपर है, तो कोई भी आप यहाँ पर रख सकते हैं। तो यहाँ पर माइनक्राफ्ट गेम भी यहाँ पर आपको शॉर्टकट देखने के लिए मिल जाएगा, आप यहाँ पर डायरेक्टली इसे ओपन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे गाइस ये ओपन हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आप माइनक्राफ्ट को भी यहाँ से प्ले कर सकते हैं, ठीक है।
और गेम वगैरह अगर आपके पास है पीसी के GTA 5 GTA 4, तो यहाँ पर आपको परफॉर्मेंस सेटिंग मिलेगा। तो सबसे पहले परफॉर्मेंस सेटिंग आप यहाँ से कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए इसे ओपन करते हैं सेटिंग, और यहाँ पर देखो रेजोल्यूशन, और आप यहाँ पर ड्राइवर वगैरह सब कुछ यहाँ पर इंस्टॉल कर सकते हैं, और यहाँ पर थीम्स वगैरह भी इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पर DXVK वर्जन गाइस ये भी आप यहाँ पर इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर टर्निप ड्राइवर वगैरह सब कुछ यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। VDDX यहाँ पर आपको वर्जन देखने के लिए मिल जाएगी, और यहाँ पर टर्निप ड्राइवर भी देखने के लिए मिल जाता है, ठीक है। ओके, ये हो गया टर्निप ड्राइवर इंस्टॉल, ठीक है। और इसको चढ़ना नहीं है, और यहाँ पर कोर वगैरह आप रख लेना, ठीक है, जो भी रखना चाहे वो बस इतना कर लेना। और इस एमुलेटर में और भी कई सारे मोड है, आप डेवलपर का वीडियो चेकआउट करो, एमुलेटर भी उसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो डेवलपर का वीडियो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, जाकर चेकआउट कर लेना, ठीक है। ओके, ये ओपन हो गया वाइन एक्सप्लोरर, ठीक है। तो इसमें से आप गेम को ओपन कर सकते हैं अगर आपके पास है तो, ठीक है। डाउनलोड आपके पास गेम है पीसी के तो आप यहां से ओपन कर सकते हैं, या फिर यहां से भी आप गेम को ओपन कर सकते हैं, ठीक है, SD कार्ड से। तो यहां से आपको डाउनलोड में चले जाना है, और या जहां पर आपका गेम है उस फोल्डर में चले जाना है, और यहां से आपका गेम वगैरह प्ले कर सकते हैं, ठीक है। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। गाइस वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलता हूँ आपको ऐसी की नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।